ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗಳಿಗೆ ದಿನಗಣನೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಘಟಾನುಘಟಿ ನಾಯಕರುಗಳು ಕರ್ನಾಟಕದ ರಣಕಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂಥ ಒಬ್ಬ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಹಿರಿಯ ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಮುಖಂಡರು ಈ ದೇಶದ ಗೃಹ ಸಚಿವರೂ ಆದ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರು ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಸ್ವಾಗತ ಆಪ್ಕೋ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇ ಮಾಹುಲ್ ಕ್ಯಾ ಅಲಗ್ರಹ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಜಿ ಅಚ್ಚಾ ಮಾಹೋಲ್ ಬಾರ ಆ ಚುಕೆ ಅಭಿ ಮೇರ ಟೋಟಲಿ ಸತ್ರವಾದಿ ढाई महीने में गिने हाँ। तो। मैं पूरे कर्नाटक का लगभग लगभग मेरा दौरा हो चुका है ज़्यादातर जिलों में गया हूँ क्षेत्र तो सारे हुए हैं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ हम जीतेंगे इस बार जब बीजेपी के हर नेता ये बात बोलता है तो मुझे तर्क समझ में नहीं आ रहा है पूर्ण बहुमत का तर्क क्या होता है तो इस बार हमें एक इश्यू लेस नरेटिव लेस चुनाव लग रहे हैं एज अ जर्नलिस्ट हमें तो लग रहा है आप इसको मैक्रो दृष्टि से देखते हो और परंपरागत ट्रेडिशनल इलेक्शन एनालिसिस के तरीकों से देखते हैं अच्छा। मोदी जी के नौ साल के कार्यकाल में पूरे देश भर के अंदर एक नई जाति खड़ी हुई है अच्छा। वो जाति का नाम है लाभार्थी का जाति अच्छा बेनिफिशियरीज कर्नाटक के अंदर लगभग लगभग चार लाख दस हजार लोगों को रहने का घर मिला है मैं उसमें से कुछ लोगों को मिला हूँ सभा के बाद वो कहते हैं कि सातवीं पीढ़ी के बाद हमारे पास किसी ने का घर आया विशेष कर वनझारा कम्युनिटी सातवीं पीढ़ी के बाद घर आया है कर्नाटक के अंदर लगभग जल जीवन मिशन के तहत 43 लाख परिवार है जिनके जीवन में पहली बार टैप वाटर आया है नल से जल आया और शुद्ध पीने का पानी आया है। कर्नाटक के अंदर 48 लाख परिवार ऐसे हैं जिनके पास 70 साल से शौचालय नहीं था पहली बार शौचालय आया है और किसान सम्मान निधि लगभग चौपन लाख किसानों को हर साल दस हजार रुपया सीधा कोई कमीशन के बगैर बैंक अकाउंट में ट्रांसफर हो जाता है गैस का सिलेंडर थर्टी सेवन लाख महिलाओं को कर्नाटक के अंदर मिला है और आयुष्मान भारत योजना एक करोड़ अड़तीस लाख लोगों को पांच लाख तक के स्वास्थ्य का कोई खर्चा ही नहीं करना पड़ता मैं इसमें से ओवरलैपिंग को निकाल लू तो भी कर्नाटक के दो करोड़ लोगों को ये फायदा मिलता है कर्नाटक के अंदर लगभग लगभग तीन करोड़ लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अनाज प्रति व्यक्ति प्रति माह पांच किलो मिलता है आप लोग जब मैक्रो रूप से देखते हो सोसाइटी को लिंगायत वोकलिगा ओबीसी मुस्लिम दलित ट्राइबल इस तरह से देखते हो तो आपको नहीं दिखाई पड़ता है भारतीय जनता पार्टी ये नौ साल में बहुत सारे नए क्षेत्रों में बार बार जीत रही है मुझे लगता है आपको भी एक पॉलिटिकल एनालिसिस करने वाले जर्नलिस्ट है ना इसका एनालिसिस करना पड़े कि मणिपुर में हमारा पॉइंट जीरो थ्री परसेंट वोट था आज दूसरी बार हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार आई पचास प्रतिशत से ज़्यादा वोट आया असम जहां 37% माइनॉरिटी परसेंट माइनोरिटी मानते हैं कि माइनोरिटी हमें वोट नहीं देती है वहां पर हमारा दो विधायक था और दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार आई त्रिपुरा में 27 साल से कम्युनिस्टों की सरकार है दूसरी बार हम जीते उत्तर प्रदेश में हमारे 30-35 विधायक हुआ करते थे तो इसके पीछे अगर आप ट्रेडिशनल राजनीतिक विश्लेषण के पॉलिटिकल एनालिसिस के तरीकों को आप उठाओगे तो तो आपको ऐसा ही दिखाई पड़ेगा परंतु मुझे मालूम है जब मैं भाषण करता हूं तब जिसको घर मिला है वो ताली बजाता है गैस मिला है उसमें ज्यादा मिलती है शौचालय में सबसे ज्यादा मिलती है अनाज में इससे भी ज्यादा मिलती है तो मालूम पड़ता है कि इसके लाभार्थी जनता में आपके बैठे। सामने बैठे हैं और एक अलग प्रकार की जाति की निर्मित हुई है जो आप लोगों के काउंटिंग में नहीं मुझे है मुझे मालूम है विकास ही मुद्दा है कर्नाटक में नहीं ढेर सारे मुद्दे है सर्जिकल स्ट्राइक से भी वो खुश है दुनिया में भारत के दबदबे से भी वो खुश है अंतरिक्ष में भारत की सिद्धियों से भी वो खुश है नहीं। नहीं। आपको नहीं और कांग्रेस को वोट देने का कारण क्या है चलिए मैं आपको काउंटर पूछता हूं मुझे तो नहीं दिखाई पड़ता कोई कर्नाटक के मतदाता हमेशा सत्ता बदलते आए हैं हर पांच साल में एक, एक ऐसा नहीं है नहीं है कई बार यहां पर जनता दल की सरकार दो तीन बार 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 आई है ऐसा नहीं है कांग्रेस की सरकार भी चार बार कंटिन्यूसली आई है ये जो आंकड़े आपने बताए आपके कर्नाटक के कोई नेता नहीं ने बोलता है यहाँ तो इशू कुछ और है बीजेपी का नहीं।, नहीं है वो कॉन्स्टिट्युएंसी का नेता अपनी कॉन्स्टिट्युएंसी की लाभार्थी की सूची लेकर घूमता है मैं अभी सत्रह कॉन्स्टिट्युएंसी का मीटिंग कर कर करके सब सबके हाथ में सूची है हमारे इंचार्ज के पास है बूथ वाइज है वो उसका कॉन्टेक्ट करता है लिंगायत वोट बैंक की टेंशन हो रही है शायद आपको जरा भी टेंशन नहीं है कांग्रेस ने ऐसा क्या किया है जिसे लिंगायत उनको वोट देंगे दो ही लिंगायत मुख्यमंत्री सत्तर साल में कांग्रेस ने दिए और दोनों को अपमानित कर निकाल दिया एक को इंदिरा जी ने किया और वीरेंद्र पाटिल जी को रा, राहुल गांधी जी राजीव गांधी जी ने एयरपोर्ट पर ही निकाल दिया हमारे मुख्यमंत्री ही लिंगायत है येद्यूरपा जैसा टालवट लीडर हमारे पास है हमारा एक स्टॉन्च बॉन्डिंग है क्वेश्चन डज नॉट ए लिंगायत में कोई छेद होने का येडियुरप्पा हट गए या हटाए गए अभी सवाल वो नहीं है मगर वॉज इट अ रॉन्ग डिसीजन आपको लगता है जरा भी नहीं येद्यूरपा ने स्वयं मुझे कहा था कि पार्टी का पचहत्तर साल का नियम है अब पार्टी जब भी चाहे हमें हटाए हम निर्णय नहीं कर पाए तो थोड़ा लंबा चला वो जो उद्देश्य होता है कुछ बदलाव का आपको लगता है देखिए उद्देश्य से बदलाव नहीं हुआ है हमारी पार्टी ऐसी है जिसमें सिर्फ सीएम बनकर कंट्रीब्यूट होता है ऐसी पार्टी में हजारों कार्यकर्ता ऐसे जो कभी चुनाव नहीं लड़ते हैं और हमारे बड़े नेता होते हैं कुशाभाव ठाकरे जी कभी चुनाव नहीं लड़े हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे हर राज्य में सैकड़ों ऐसे कार्यकर्ता है जो चुनाव लड़ते ही नहीं है इट डजन मीन कि उनका कंट्रीब्यूशन नहीं है येद्यूरपा जी ने स्वयं विधानसभा में कहा था कि आप खुश मत होइए कांग्रेस को कहा था कि मैं इस बार भी आपको हराऊंगा अगले बार भी अगर हराने हराने आऊंगा एक स्पिरिट के साथ ये येद्यूरप्पा जी हमारी चुनाव की नेतृत्व तो कर रही हैं लक्ष्मण सौदी और जगदीश शेट्टर जैसे नेता छोड़ के जाना आपको नहीं लगता दोनों अपनी सीट पर तीस हजार से ज्यादा मार्जिन से हारने वाले टिकट फ्रॉम मी और काउंटिंग के बाद मुझे फोन करना मैं हुबरी के संगठन को नब्बे के दशक से जानता हूं हुबरी व्यक्तियों को वोट नहीं देता है पार्टी को वोट देता है नहीं अब आप, आपको भी पता है कि हुबली सेंट्रल में जगदीश शेटर हारेंगे कि जीतेंगे सवाल वो नहीं है बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मतदाताओं पर क्या प्रभाव होगा सवाल होगा ऐसे नहीं होता मतदाताओं पर ऐसा भी प्रभाव होता है कि एक व्यक्ति को इतनी बार विधायक बनाए इतनी बार उप मुख्यमंत्री बनाए इतनी बार मुख्यमंत्री बनाए लीडर ऑफ अपोजिट एक बार टिकट नहीं दी और अब विपक्ष के साथ आइडियोलॉजी के बगैर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस में जा ही कैसे सकता है अगर वो आइडियोलॉजी बेस्ड कार्यकर्ता है सेल्फिश नहीं है तभी तो। जा सकता है जब अपने स्वार्थ के लिए राजनीति में तो, तो अपने आप को एक्सपोज कर लिए है जनता ये भी तो देखती है जनता पत्रकारों की तरह नहीं होती है जनता व्यक्ति का कैरेक्टर देखती है गड़बड़ कहां पर हुआ है मतलब कम्युनिकेशन में कुछ प्रॉब्लम हुआ ना जरा भी सब... नहीं तय किया था पार्टी ने आपको नहीं लड़ाना है उनको बताया नहीं गया बताया गया मैंने स्वयं बताया कि आपको नहीं लड़ाना है आपको पार्टी का काम करना चाहिए दूरप्पा जी की तरह कोई गड़बड़ नहीं हुई वो अजम नहीं कर पाए निर्णय को गड़बड़ का क्या सवाल है और ढेर सारे लोगों के टिकट नहीं होते गड़बड़ नहीं है जगदीश शेट्टर ज्वाइन होते कांग्रेस ऐसे बिहेव करने लगी कि उनको बहुत बड़ी ताकत मिल गई। यही इनका दिवालियापन है कि इनके पास नेतृत्व तो ही नहीं है अगर भाजपा से कोई आएगा तो ही वो जीतेंगे वो उन्होंने तो स्पष्ट कर दिया शुरू में चुनाव के शुरुआत में ही स्पष्ट कर दिया कि हमारा नेतृत्व तो जीता नहीं पाता था भाई ओ चलो अब जगदीश सिट्टर और ये आ गए सऊदी साहब तो हम जीत जाएंगे इट मीन्स कि आप नहीं जीता पाते हो लक्ष्मण सऊदी एम थे जगदीश सिट्टर सिर्फ एम बनकर क्या करते थे उन्होंने बता दिया था कि मैं मुंबई के नीचे मिनिस्टर बन मिनिस्टर नहीं, नहीं, नहीं बनूंगा तो पार्टी ने फैसला लिया ये पूरे पांच साल सऊदी एमएलसी थे आपने लाभार्थियों के लिस्ट पढ़ रहे थे किन किन योजनाओं में कितने लाभार्थी हैं मगर आपके खिलाफ कांग्रेस कंप्लेंट दर्ज की है कि आपने लोगों को डरा रहे हैं कि कम्युनल क्लैश हो जाएंगे अगर कांग्रेस आ जाएगी उसकी ज़रूरत क्या थी अमित शाह जी नहीं मैं डरा नहीं रहा भाई मैं वास्तविकता बता रहा हूँ इस देश के कॉम्यूनल क्रैशिस का इतिहास निकाल लो नाइन्टी परसेंट कॉम्यूनल क्राइसिस कांग्रेस के शासन में हुए आपको भी आंकड़ों का स्टडी करना चाहिए नाइन्टी परसेंट अच्छा तो आपको आप उनका रिकॉर्ड है मैं रिकॉर्ड बताता हूं जनता को तो आप कर्नाटक के जनता डराने की क्या जरूरत है डरे कोई नहीं डरता इससे चेतावनी दे रहे हैं आप कर्नाटक न मैं, मैं बता रहा हूं तो उस कंप्लेंट को एक लेके कंप्लेंट के लिए क्या कहेंगे कंप्लेंट ऑथोरिटी के सामने करिए और विल डिसाइड मुझे पूछेंगे तो मैं जवाब दूंगा कि मेरी मनसा क्या थी कांग्रेस को कॉन्फिडेंट है उनके गारंटी स्कीमों के ऊपर पांचवा गारंटी कल ही राहुल गांधी देखिए गुजरात में गारंटी कार्ड बांट रहे थे यूपी में बांटे थे उत्तराखंड में बांटे थे आसाम में बांटे थे मणिपुर और त्रिपुरा में भी बांटे थे इससे भी अच्छे अच्छे गारंटियां दी थी जिस पार्टी का इमेज ना हो इसकी गारंटी को कौन मानेगा बताइए सवाल मेरे और आप जैसे लोगों के लिए नहीं है मगर ये जो हमारे कैमरा मैन है दो हजार रुपए घर में मिलेगा दो, दो सौ यूनिट बिजली फ्री मिलेगी नहीं मगर इसकी को आप बहक नहीं जाता दिल जरा भी नहीं बहकता क्योंकि उसको ऑलरेडी शौचालय मिल चुका है मुफ्त में अच्छा एक लाख रुपये का गैस का सिलेंडर फ्री ऑफ कॉस्ट घर में मिल चुका है घर में बिजली का कनेक्शन बिना चार्ज लिए मिल चुका है उसको एक लाख रुपये का घर ही मिल चुका है उसके घर में फ्री अनाज आता ही है उसको दस हजार रुपया किसान को सालाना मिलता ही है ऑलरेडी एडवांस में गारंटी की जरूरत नहीं है और एडवांस में मिल रहा है उसको मालूम है कि सब बंद हो जाएगा फिर यहाँ सारी चीजें बंद हो जाएगी दो हजार लेकर क्या करेगा बताओ तो ये तो तर्क लगता है लॉजिक लगता है तर्क नहीं है गरीब आदमी समझता है आप नहीं समझते हो क्योंकि आप बेनिफिशियरी नहीं हो बेनिफिशियरी चीज को समझता है यहाँ कांग्रेस के नेता मोदी जी के एक बयान की क्रिटिसाइज करते हैं मजाक करते हैं मोदी जी बोले थे मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा यहाँ पे आप आपकी सरकार पे 40 करप्शन की एलिगेशन है पे का कैंपेन चला यहाँ पे एक ही आपसे रिक्वेस्ट है फोर्टी परसेंट करप्शन का किसी भी कोर्ट में किसी भी जगह एक भी केस अगर हुआ है तो आप मुझे बताइए हम दावणगेरे में बात कर रहे हैं चंदगी में आप ही के एमएलए के बेटे ने चालीस लाख रुपए रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया तो, तो जेल में भेज दिया टिकट भी नहीं दिया फ्रेज बनाना बहुत सरल है जनता ऐसे नहीं मानती भाई जनता सोचती है रोज अनुभव आता है करप्शन एक मुद्दा नहीं है आपके हिसाब से कर्नाटक के हमारी आपके... सरकार के खिलाफ नहीं है करप्शन मुद्दा कांग्रेस अध्यक्ष और बाकी के लोगों के सामने जो एलिगेशन है इसका है अगर डेवलपमेंट पे इतना ही भरोसा था तो ये रिजर्वेशन के डिसीजंस इतने जल्दी जल्दी में लिए गए हैं नहीं जल्दी जल्दी में नहीं ले, उनके? लेट लिए हैं नहीं चुना, चुनाव के इतने अरे जल्दी? नहीं ना जल्दी नहीं लिए है लेट लिए बहुत लेट होगा जल्दी ले लेना चाहिए था इस देश का संविधान इस देश का कॉन्स्टिट्यूशन धर्म के आधार पर रिजर्वेशन की मान्यता ही नहीं देता है अगर चार प्रतिशत रिजर्वेशन धर्म के आधार पर मिला है माइनॉरिटी को तो वो रद्द हो जाना चाहिए और हमने कर दिया थोड़ा लेट हो गया बात सही है आपकी एक साल पहले करना चाहिए मामला सुप्रीम कोर्ट में है और ठीक है सुप्रीम कोर्ट इस पर विचार करेगी ये रिवर्स तुष्टिकरण लगता है कि कुछ लोगों को वो चार परसेंट रिजर्वेशन तुष्टीकरण कर रहे थे आप उसको छीन के तुष्टिकरण कर रहे हैं। ऐसा है देना या लेना दोनों चीजें संविधान के आधार पर होनी चाहिए मैं और आप दोनों एक बात पर एग्री होंगे कि संविधान के आधार पर देश चाहिए। चलना चाहिए हमारे संविधान की कोई भी धारा में अगर रिलीजन बेस रिजर्वेशन का प्रोविजन हो तो कांग्रेस का कोई भी नेता मुझे बता दे और अगर नहीं बता सकता है तो वो जस्टिफाई करे कि हमने किस चीज के लिए दिया था इसको त्रुष्टिकरण कहते हैं हमने तो करेक्ट किया है और आपने तेलंगाना में बोला कि अगर वहां पे अधिकार में आएंगे तो वहां बिल्कुल मुस्लिम रिजर्वेशन गैर संवैधानिक है ओबीसी जातियां जो होती है मुसलमानों में ओबीसी जातियां होती है उसको रिजर्वेशन मिलना चाहिए मुस्लिम एज सच नहीं मिलना चाहिए हिंदू एज सच नहीं मिलना चाहिए क्रिश्चियन एज सच नहीं मिलना चाहिए कोई कास्ट अगर बैकवर्ड है तो उसको मिलना चाहिए मगर मुस्लिमों को रिजर्वेशन देंगे हिंदुओं को रिजर्वेशन देंगे कल को तो कोई सरकार आएगी सारे हिंदुओं को रिजर्वेशन चलो कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं सवाल तो आपका ये है कांग्रेस को पूछने का कि आपने करा कैसे था वो तो क्रेडिट लेते हैं उनका तो मैं यही कहता हूं इसी को त्रुष्टिकरण कहते हैं चार परसेंट मुसलमानों को मुसलमान का रिजर्वेशन लेके आप वो को दो परसेंट और लिंगायत को दो परसेंट दे रहे हैं नहीं ऐसा है आप पूरी चीज को समझे ही नहीं ये तीनों एक ब्लॉक ब्लॉक में थे चार परसेंट रद्द किया तो बाकी की दो ब्लॉक को दो दो परसेंट मिल गया हमने किसी का बढ़ाया नहीं बाय डिफॉल्ट बढ़ा है मगर हाँ दो परसेंट वोकलिंग का और दो परसेंट लिंगायत का बढ़ा है अभी कांग्रेस परसों सिद्धरा बोल रहे हैं कि वो अधिकार में आएंगे तो सेवेंटी परसेंट तक रिजर्वेशन की रेंज बढ़ा देंगे देखिए आपको भी मालूम है मुझे भी मालूम है सुप्रीम कोर्ट का नौ जजों का एक जजमेंट है नौ जज की बेंच का कि नहीं कर सकते हैं कौन मानेगा जी की बात उनको भी मालूम है मगर वो नाराज है तो ऐसी ऐसी चीजें बोलते रहते हैं कुछ चीजें ऐसे भी बोले कि लिंगायत मुख्यमंत्री के बारे में वो भी सोच समझ कर ही बोले हैं हाँ। नाराज है तो नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं इससे थोड़ी ना कांग्रेस का फायदा है और खरगे जी का स्टेटमेंट कैसे देखते हैं आप जहरीला सांप बोले प्राइम देखिए कोई खरगे जी पर नहीं है कांग्रेस के सारे नेता मोदी जी के खिलाफ इतनी नीचे स्तर की भाषा का उपयोग करते हैं एक जमाने में सोनिया जी ने मोदी जी को खून का सौदागर कहा था मौत का सौदागर कहा था प्रियंका जी ने उनको नीची जाति का बता दिया था ये आपके कांग्रेस के कोई एमपी है, हरिप्रसाद भी के, भी उन्होंने कुछ कहा था मणिशंकर अय्यर ने कुछ कहा था खरगे जी ने कहा मगर जब जब भी कहा है वो चुनाव निश्चित रूप से हम जीते हैं तो मुझे तो एक शुभ संकेत दिखाई पड़ता है टोटल और इन्होंने विद्रो भी किया शायद हाँ मालूम पड़ गया है कि पब्लिक में बहुत रिएक्शन चुनाव का ये डि डि डिस्कोर्स का स्तर बढ़ना चाहिए वी वी डिजर्व अ मैं मानता हूँ अगर अकेली भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती है सभी ने बढ़ाना पड़ेगा कार्यकर्ताओं में जोश कम दिखाई दे रहा है ऐसा कोई सवाल ही नहीं है भाई मैं तो घूम कर आया आपके कैमरामैन भी वहां होते होंगे विजुअल देख लीजिएगा मैं कभी उदगिरी में कौन सा यादगिरी में यादगिरी ऐसा रोड शो सो सोच ही नहीं सकता आप पॉलिटिशियंस को पता लग जाता है लोगों को रिएक्शन कि माहौल कैसा है कभी आप... सकलेशपुरा में जो रोड शो हुआ मैं सोच ही नहीं सकता हसन की सकलेशपुरा सीट है इस पर ऐसा रोड शो हो सकता है मेरे पास तो है भाई का बैकग्राउंड भी मैं जानता हूँ बहुत कुछ और ये दोनों सीटों पर मैंने पहले कार्यक्रम किए अच्छा। यादगिरी में भी किया है सकलेशपुरा में भी किया है और इस बार भी कर, कर आया बहुत कॉन्स्टिट्युए ऐसे हैं डिसिडेंट्स का आपको थोड़ा सरदर्द हो सकता है देखिए, ये तो सभी पार्टियों का सरदर्द है परंतु भारतीय जनता पार्टी की वोट बैंक आइडियोलॉजी और नरेंद्र मोदी के साथ जुड़ी हुई है बहुत, बहुत लोग नाराज हो गए जिनको टिकट नहीं मिला और जिनको टिकट रिजेक्ट हो गया सिटिंग एम नहीं स्वाभाविक है नाराज होंगे बहुत स्वाभाविक प्रक्रिया चुनाव के वक्त होती है और सब हर पार्टी को फेस करनी पड़ती है तो चुनाव पर असर नहीं होगी पार्टी कांग्रेस में ज्यादा नाराजगी हुई क्या होगा बताओ तुम तो? भी है उनके स्वयं कांग्रेस के बड़े नेता सिद्धरामैया जी भी है नाराज है अब क्या करेंगे बताइए उनके स्टेटमेंट को सिर्फ आप एनालिसिस कर हर रोज एशिया नेट पर बताइए कि इनका आपका एनालिसिस क्या है इनके स्टेटमेंट का सात दिन के सात स्टेटमेंट और आपका एनालिसिस बताओ एक मेरे इंटरव्यू के बाद बताना जरा कार्यक्रम <laughs> हाफ एंड प्रोग्राम ऑन स्टेटमेंट वो तो करते रहते हैं आपके लोग भी ऐसे स्टेटमेंट करते हैं आज जतनाल जी बोल दिए विश्वकन्या सोनिया वो, जी जी वो सोनिया जी के लिए बोले सोनिया ये तो कांग्रेस को नुकसान करने वाले सातों दिन एक 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 स्टेटमेंट दिए दिक्कत कांग्रेस को ये होती है वो बार बार सवाल भी पूछती है कि मोदी को इतना बार क्यों लेके आते हो आप कर्नाटक में दिस इज नॉट अ पार्लियामेंट इलेक्शन दिस इज विधानसभा चुनाव ए, 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 एक बात समझ लीजिए लोकतंत्र में चुनाव डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा उत्सव होता है नरेंद्र भाई देश के प्रधानमंत्री है और देश में कहीं पर भी चुनाव हो उनको जाना चाहिए कांग्रेस को आदत पड़ी है मनमोहन सिंह की जिनकी सभा ही नहीं हो सकती थी अब हम क्या कर सकते हैं बताइए मोदी जी को लोग सुनने आते हैं तो जाते हैं मनमोहन सिंह जी को कोई सुनने नहीं आता था तो नहीं जाते थे डेवलपमेंट की बात कर रहे कर रहे थे आप अमित शाह जी हम दावणगेरे में बैठे हैं पानी का बहुत दिक्कत है यहाँ पे महादाई आप बोल रहे बहुत किया है हमने कांग्रेस वाले बोले कुछ भी नहीं हुआ है महादाई कलसा बंडोरी जो गो, गोवा के साथ लड़ रहे हैं हम देखिए ऐसा है कि मैं क्या कह रहा हूँ कांग्रेस क्या कह रहा है इसका कोई महत्व तो नहीं जो हुआ है वो रिकॉर्ड पर हुआ है महादाई में डिस्प्यूट लगभग लगभग रिजोल्व हुआ है पूरी दुनिया जानती है कलसा बंडूरी का भी काम हो चुका है अपर कृष्णा का भी काम हो चुका है सब लोग जानते हैं जेडीएस ये कहती है कि ये सब अगर समस्याएं खत्म होना चाहिए तो रीजनल पार्टी आना चाहिए नेशनल पार्टी से कुछ नहीं होगा क्योंकि उनको हर पार्टी के लिए गोवा में भी कुछ इंटरेस्ट होता है कर्नाटक में भी इंटरेस्ट होता है तमिलनाडु और कर्नाटक में इंटरेस्ट होता है नहीं मगर जब डिस्प्यूट दो राज्यों के पास है तो रीजनल पार्टी कैसे रिजॉल्व करेगी क्योंकि दे डोंट हैव एनीथिंग टू लूज इन अदर स्टेट मगर दूसरी पार्ट दूसरा स्टेट मानेगा ही नहीं कैसे रिजॉल्व कैसे होगा झगड़ते रहो उनका अपना स्टेटमेंट ही ऐसा है कि वो परिणाम नहीं ला सकते मैं ऐसा नहीं मानता वो ऐसा मानते हैं वो मानते हैं हम सब बेंगलोर में रहते हैं तो देखिए साहब पूरी कर्नाटक की जनता अब जान चुकी है कि जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट जेडीएस कैसे सरकार बना सकती है बताओ जेडीएस तो नहीं फिलहाल माहौल तो ऐसा नहीं है माहौल नहीं, नहीं है सीटें भी नहीं है हाँ तो सरकार कैसे बना सके आपके साथ मिलकर कर सकती है हम नहीं करेंगे तय है लास्ट टाइम क्या हुआ लास्ट टाइम आप थोड़ा देरी से पहुंचे देवेगोड़ा नहीं नहीं हमने ऑफर ही नहीं किया है आपके एक एम भरी सभा में बोल रहे हैं अमित शाह जी कि मोदी जी और देवेगोड़ा जी के दे, बीच में बातचीत हुआ है जेडीएस को वोट देने के बजाय बातचीत नहीं, नहीं हुआ है अच्छे संबंध है मोदी जी तक के तो, तो सबसे अच्छे संबंध है आप जाओ आपको भी चाय पिलाएंगे पिलाना भी चाहिए फिर डेवलपमेंट पे आता हूँ मैं बेंगलुर से आते हैं हम सब लोग बारिश हो जाती है तो बाढ़ आ जाती है अमित शाह जी बेंगलोर में ट्वेंटी एट कॉन्स्टिट्यूवेंसीज है वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रॉब्लम है देखिए ये जो आप बात कर रहे हैं बहुत अच्छा आपने पूछा है बेंगलोर को जिस प्रकार से इसका इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हुआ है वो वास्तविकता है परंतु ये लेगेसी प्रॉब्लम है आपको भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार के नौ साल और राज्य सरकार के चार साल को एनालिसिस करना चाहिए ये नौ साल में क्या हुआ हुआ है जरा आपको बताना चाहता हूँ बेंगलोर के अंदर सबसे पहले लगभग लगभग तेरह हजार करोड़ रुपया हमने बेंगलोर मेट्रो के लिए दिया है मोदी जी आए तब बेंगलोर में सेवन किलोमीटर मेट्रो थी आज फिफ्टी सिक्स किलोमीटर हो चुकी है और दो हजार चौबीस के पहले हंड्रेड किलोमीटर हो जाएगी हंड्रेड किलोमीटर मेट्रो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा कि ट्रैफिक के प्रॉब्लम को रिजॉल्व करती है इसके साथ साथ उपनगरीय रेलवे जो सबर्बन रेलवे होता है इसके लिए भी मोदी सरकार ने 15,800 करोड़ रुपया 40 साल से ये काम नहीं होता था अब काम चालू हो चुका है भूमि भी इसकी अधिग्रहित करने का काम हो और काम आगे तो पंद्रह तेरह हजार करो, करोड़ तेरह हजार करोड़ रुपया वहाँ दिया पंद्रह हज़ार करोड़ रुपया अट्ठाईस हज़ार करोड़ रुपया हुआ फिर सैटेलाइट टाउन रिंग रोड बनाने की शुरुआत की उसकी कॉस्ट पंद्रह हज़ार करोड़ है वो भी हंड्रेड परसेंट फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट है तो और पंद्रह हजार करोड़ रुपये करीब करीब बयालीस हज़ार करोड़ रुपया होंगे बेंगलुरु शहर के व्यापक विकास के लिए और नौ करोड़ दिया है जिसमें फ्लाई ओवर अंडर ट्राफिक मतलब ट्रेन है वहाँ पर ऊपर नीचे से यातायात की व्यवस्था इसको किया है अमृत नगरोत्थान योजना के तहत हमने और छः हज़ार करोड़ रुपया बेंगलुरु शहर के लिए दिया है और इसके पैंतीस प्रोजेक्ट ऑलरेडी कंप्लीसन के कगार पर है कावेरी जल आपूर्ति योजना के तहत बेंगलुरु शहर के पीने के पानी के लिए 5500 करोड़ रुपया भारत सरकार ने दिया है बाढ़ बेंगलुरु के लिए 1813 करोड़ रुपया हमने दिया है कर्नाटक सरकार बेंगलुरु कॉरपोरेशन लेगी तो ये लगभग लगभग 5000 करोड़ रुपया होता है और बेंगलुरु ग्रामीण से मांडिया का नेशनल हाईवे इसका निर्माण 1900 करोड़ रुपये से हमने शुरू किया है बेंगलुरु का नया हवाई अड्डा और नया टर्मिनल हमने बना दिया पंद्रह करोड़ रुपया से खर्चे से कुल मिलाकर पचहत्तर हजार करोड़ रुपया हमने ये नौ साल के अंदर बेंगलुरु के लिए खर्च करने का शुरू कर दिया है काफी कुछ खर्च कर चुके हैं परंतु आपकी बात सही है ये प्रॉब्लम है मेरा इतना ही कहना है कि हमने हमारे समय में जो हमें समय मिला एज अ सेंट्रल गवर्नमेंट और एज अ स्टेट गवर्नमेंट तो नौ चार साल वहाँ और चार साल यहाँ इसमें हमने जरा भी कोताही नहीं की हमने प्लानिंग भी किया है बजट भी दिया है और प्लानिंग को इम्प्लीमेंट भी किया है एक सवाल का जवाब मैं थोड़ा डिटेल में जानना चाहता हूँ अमित शाह जी बेंगलोर सिटी को छोड़ के या ग्रेटर बैंगलोर को छोड़ के ओल्ड मैसूर के बाकी सब जिलों में आपका परफॉर्मेंस इतना क्यों लो रहा है और इस बार दिखाई दे रहा है कि बीजेपी बहुत स्ट्रगल कर रही है वहाँ पे आप स्ट्रगल नहीं कर रहे हैं स्ट्रगल स्ट्रगल नहीं नहीं टू विन मेहनत कर रहे हैं हाँ मेहनत अच्छा <laughs> देखिए हाँ। स्वाभाविक रूप से ट्रेडिशनली हाँ। ये जेडीएस और कांग्रेस के बीच के। में वहां लड़ाई होती थी हमने मेहनत कर कर चार साल में हमारा संगठन वहां बढ़ाया है मेरी सबसे पहली रैली अगर कर्नाटक चुनाव में दो महीने पहले हुई तो मांडिया में हुई थी। मांडिया में बहुत सफल रैली थी मोदी जी भी मांडिया में चुनाव के पहले रैली कर चुके हैं और हम इस बार ढंग से वहाँ कॉन्सेंट्रेट कर कर अशोक को लड़ने के लिए विद्या सोमन्ना को लड़ने के लिए हम कॉन्सेंट्रेट कर कर लड़ रहे हैं वो क्या राजनीति थी, थी? आशोक कोई राजनीति नहीं अशोक अशोक को कहा हमारी को... पार्टी हम हमारी पार्टी को एक्सपांड करना चाहते हैं अशोक हमारे बड़े वो कलिगा लीडर है वो वहां जाकर लड़ेंगे तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा सोमन्ना बड़े लिंगायत लीडर है वो वहां जाकर लड़ेंगे तो रिस्पॉन्स मिलेगा तो आप सीटों की बढ़ोतरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस बार ओल्ड मैसूर रीजन में सीटें तो ज़रूर बढ़ेगी मगर मैं इतना कह सकता हूँ कि अगले चुनाव में हमारे लिए वीक एरिया नहीं होगा सीटें भी बढ़ेगी okay. जब कल्याण कर्नाटक की बात करेंगे तो एस सी एस रिजर्व बहुत आते हैं ट्वेंटी मार्च के दिन आपके यहाँ के सरकार ने एक डिसीजन ली रिजर्वेशन की इंटर शिफ्टिंग के बारे में दलित लेफ्ट दलित राइट और उसका कुछ नेगेटिव इंपैक्ट दिखाई नहीं दे रहा है स्पेशली बंजारा जैसे समुदायों में जरा भी नहीं है इसलिए एक तो बंजारा कम्युनिटी के लिए कम्युनिटी के लिए हमने बहुत कुछ किया है इतने सालों से बंजाराओं को अपनी जमीन का हक पत्र किसी ने नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया है दूसरी बात ये जो स्टेटिस्टिक पड़े थे राज्य सरकार के पास आबादी के और एडमिशन के आबादी के और नौकरी के इस स्टेटिस्टिक को स्टडी कर, कर बैलेंस कर, कर किया गया। किसी को होने की संभावना नहीं है और मैं विषय को बहुत जानता हूं कि किस प्रक्रिया कितनी डिटेल हुई है इसलिए मैं बता सकता हूं आपको पहले दिन का रिएक्शन हमें देखने को मिला येडियपा जी के घर पे पथराव हुआ वो ठीक है येडियो जी के घर पे कुछ वनजारा लोगों ने प्रदर्शन किया परंतु हमने आंकड़े हमारे कार्यकर्ताओं की एक बड़ी टीम को दिए हैं स्टेटिस्टिक दिया है दस साल के जो बेनिफिट्स मिलते हैं इसका और अभी जो दिया है ये इससे ज्यादा है तो कम्युनिटी ऑन द होल आपसे दूर नहीं जा सकती। जरा भी दूर नहीं जा सकती कई बार क्या होता है कि कम्युनिटी में पार्टी का कैडर जो होता है वो रिएक्शन देता है तो एक ऐसी भ्रांति इल्यूजन खड़ा होता है कि कॉम्युनिटी रिएक्ट कर रही है कैडर ऑफ द अदर पार्टी Please. मैं यही कह रहा हूँ uh -huh. मैं आज भी हमारे वनजारा कार्यकर्ता थे मेरी मीटिंग में अभी uh -huh. मैंने सबको खड़ा कहकर पूछा आपकी बस्ती में क्या है अभी तो उन्होंने तो पचास बेनिफिट्स मुझे गिना दिए इस तरह का माहौल नहीं है इतना सरल नहीं है और अगर यही थ्योरी है तो लेट पूरा हमारे पास आ जाना चाहिए <laughs> अगर आपकी थ्योरी सही है तो ऐसे नहीं होता है ना वो पूरा हमारे साथ आएगा ना ये पूरा चला जाएगा नहीं मैं मुझे कांग्रेस पार्टी से किया गया सर्वे दिखा है, आई आई मीन दिखाया तो फिर लेफ्ट का क्या सर्वे था कांग्रेस पार्टी का वो तो साफ ही हो गया अगर रिजर्वेशन से ही होता तो लेफ्ट और राइट का हमने बढ़ाया तो दोनों कांग्रेस तो साफ हो गई फिर तो उन्होंने तो दलित वोट की चिंता ही नहीं करनी चाहिए आशा भी नहीं रखनी चाहिए यहाँ का सरकार रिजर्वेशन पे उतना डिपेंडेंट क्यों हो गया अमित शाह नहीं है गुजरात में एक सेकंड क्या सरकार का सामाजिक न्याय को ढंग से करना दायित्व तो नहीं है क्या आप रिजर्वेशन को क्यों चुनाव के चश्मे से देखते हो यह सरकार का दायित्व तो है यह निर्णय पहले भी लिया जा सकता था। मैं कहता हूं ना लेट हो गया मुस्लिम रिजर्वेशन को एक साल पहले खत्म कर देना चाहिए था थोड़ा लेट हो गया वो ठीक है लेट हुआ तो और लेट कर दे क्या पीएफआई का बैन बहुत बड़ा निर्णय था क्योंकि कर्नाटक कर्नाटक के हिसाब से देखा जाए तो इट वाज ए डीप रूटेड ऑर्गेनाइजेशन उसका नेशनल सिक्योरिटी पे कुछ इम्पैक्ट दिखाई दे रहा है आपको देखिए कितना बड़ा निर्णय था आपके हिसाब से देखिए बहुत बड़ा निर्णय है मैं मानता हूँ देश के हित में निर्णय है और देश की आंतरिक सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण निर्णय है हमने सोच समझ कर ये निर्णय लिया है और कर्नाटक नहीं देश भर को इसका फायदा होने वाला है आंतरिक सुरक्षा की दृष्टि से कोई भी ऑर्गेनाइजेशन देश को तोड़ने की प्रक्रिया में लगा हो तो हम आंख मूं कर नहीं देख सकते उसको अरे तो अच्छा है अभी नहीं लगाया वरना आप कहते कि चुनाव के, के कारण लगाया है <laughs> <laughs> फैसले हमेशा चुनाव को नजर के में रख के नहीं होते हैं चुनाव तो आते रहते हैं जाते रहते हैं गवर्नमेंट कंटिन्यूस प्रोसेस होती है पत्रकार के आदत होते हैं वो, तो वो तो आसानी से नहीं ठीक सुनिश्चित होगी मुझे तो भारत, पूरा भरोसा है और कर्नाटक को भी बहुत बड़ा फायदा होने वाला है इससे मैं आंतरिक सुरक्षा पे ही बात करना चाहता हूँ मोदी आने से पहले मोदी आने के बाद नौ साल में बदलाव क्या मतलब हाउ डू यू सी दिसवि देखिए नॉर्थ ईस्ट में हिंसा के सारे आंकड़े थे इसमें सेवेंटी परसेंट की कमी हुई है आठ हजार लोग हथियार डालकर सरेंडर हो चुके हैं नौ अलग अलग आतंकवादी ग्रुप सरकार के साथ समझो कल ही मैंने एक समझौता किया समझौता कर चुके हैं कश्मीर में धारा 370 सौ से चली गई है कश्मीर में भी सिक्स परसेंट हिंसा का रेट रह चुका है सिक्स परसेंट हाइएस्ट से पथराव की घटनाएं लगभग जीरो हो चुकी है आतंकवादी मारे जाते थे पचास पचास हजार लोगों के जनाजे निकलते थे आपने कभी ये आपके टीवी में दिखाई नहीं दिखा नहीं सकते हो क्योंकि निकलते नहीं है पथराव भी नहीं दिखा सकते हो क्योंकि पथराव होता नहीं है नक्सली हिंसा ट्वेंटी परसेंट बच गई है सौ थी वहां से ट्वेंटी परसेंट और पी एफ आई पर बैंड से लेकर ये अभी अभी जो पंजाब में हुआ इसमें हमने एन एस ए लगाया बाकी सारे कठोर कदम उठाए पंजाब सरकार के साथ लेकर आंतरिक सुरक्षा के मामले में बहुत अच्छा सुधार हुआ है इस बीच सतपाल मलिक का एक स्टेटमेंट हाउ डू यू सी दैट कैसे देखते हैं उसको देखिए इस स्टेटमेंट को अगर सतपाल जी गवर्नर रहते हुए देखते तो क्रेडिबिलिटी थी अगर ये देश के विरुद्ध का कोई काम उनको नजर में आया तो उन्होंने क्यों नहीं बोला उस वक्त अच्छा। आपको पूछना चाहिए उनको कि साहब उस वक्त क्यों नहीं बोले आप तो आप तो राष्ट्रभक्त व्यक्ति हो राष्ट्रभक्ति अचानक सात साल के बाद क्यों जागी जबकि चुनाव आया है तो आपको लगता है कि देश सुरक्षा के विषय में भी पॉलिटिक्स बहुत चलता है ऐसा नहीं है देश की जनता इस तरह के स्टेटमेंट से ना प्रभावित देश की जनता को वास्तविकता मालूम है नॉर्थ ईस्ट में अभी तीन चुनाव थे तीनों चुनाव में हम जीत गए भारतीय जनता पार्टी रिपीट हुई तो लोगों को मालूम है कि आंतरिक सुरक्षा अच्छी है नेशनल इश्यूज कुछ और होते हैं स्टेट इश्यूज कुछ और होते हैं बीजेपी पे आरोप यह है कि नेशनल इश्यूज को स्टेट इलेक्शन में लेके आते हैं वो मोदी सेंट्रिक इलेक्शन करना चाहती है प्रेसिडेंशियल टाइप इलेक्शन करना चाहती है नहीं नहीं मोदी जी हमारे नेता है मोदी जी की लोकप्रियता का हमें फ़ायदा होगा ही होगा और होना भी चाहिए परंतु मैंने अभी बेंगलोर का पूरा डेवलपमेंट आपने पूछा तो आपको गिना दिया ये सेंटर का इश्यू है क्या मैंने इतने सारे लगभग पाँच करोड़ बेनिफिशियरों की सूची आपको बताई ये कर्नाटक के बाहर के नहीं कर्नाटक की बाउंड्री में है मैं अभी जहाँ बैठा हूँ वहीं का आपको बता दूँ। मानो कितने बड़े निर्णय कर्नाटक के लिए हमने के न्यू पे मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी अड़तीस करोड़ रुपया हमने दिया है दस लेन बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे वे आठ हजार करोड़ रुपया दिया है बेंगलुर चेन्नई एक्सप्रेसवे 17,000 करोड़ रुपया दिया है बेंगलुरु हैदराबाद एक्सप्रेसवे 31,000 करोड़ रुपया दिया है बीदर कुलवर्गी बेल्लारी 7,600 करोड़ रुपया दिया है बेंगलुर चेन्नई मैसूर हाई स्पीड रे, रेल कॉरिडोर को हमने मंजूर किया है शिवमोगा और कलबुर्गी में नए एयरपोर्ट बन रहे हैं हसन विजयपुर कोल्लार रायचूर इस सब जगह पे नए नवे, नवे एयरपोर्ट प्लान किए हैं तो इस सेंटर का नहीं है ये यहीं का है और यहाँ की जनता को मालूम भी है दक्षिण भारत के राज्यों में एक और इमोशनल इशू होता है अमित शाह जी हिंदी इम्पोजिशन का एन ई पी मातृभाषा शिक्षण के लिए बहुत जोर दे रही है ये सब उसके बीच में समोह कर्नाटक में कोशिश चलती है कि बीजेपी को हिंदी पार्टी करके कोशिश कुछ भी करे कन्नड़ भाषा के लिए सबसे ज्यादा अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने की आई एस आई पी एस ऑल इंडिया सर्विस की सारी एग्जामिनेशन मोदी जी आने के बाद कन्नड़ में देने की शुरुआत हुई हमने सारे एग्जामिनेशन के अंदर कन्नड़ को सब भाषाओं को किया अकेले कन्नड़ नहीं शेड्यूल लैंग्वेज सारी करी अभी सी के एग्जामिनेशन में कन्नड़ को इंट्रोड्यूस कर दिया हमने तो कन्नड़ का व्याप बढ़ाया है हमारा तो आग्रह है सभी स्थानीय भाषाओं में पढ़ाई लिखाई भी होनी चाहिए और अभिव्यक्ति भी होनी चाहिए मगर एक बात मुझे बनाइए प्रियंका गांधी यहाँ आएगी तो कौन सी भाषा में बोलेगी हिंदी में हिंदी में तो फिर ये हिंदी इंपोज कर रही है क्या <laughs> <laughs> इंपोज करना नहीं होता है मैं गुजरात से आता हूँ कन्नड़ जानता नहीं हूं तो मैं हिंदी में बोलूंगा बट नेचुरल है स्वाभाविक है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्थानीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए जितना किया है इतना कोई सरकार ने आजादी के बाद नहीं किया है मेडिकल की एग्जाम हमने कन्नड में कर दी गुजराती में भी कर दी मराठी में भी कर दी मतलब सारी फिर इंजीनियरिंग की एग्जाम हमने कर दी फिर आई एस आई पी एस ऑल इंडिया सर्विसेज की एग्जाम हमने कर दी अब कांस्टेबल लेवल की एग्जाम भी हमने सारी भाषाओं में कर दी तो कन्नड़ माध्यम में पढ़ा हुआ एसएससी पढ़ा हुआ व्यक्ति भी अब एग्जाम दे सकता है पहले नहीं दे सकता था पहले सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी में ली जाती थी ये कांग्रेस के समय से हिंदी और इंग्लिश में ही ली जाती थी अब मुझे बताइए ग्रामीण कन्नड़ लड़का कैसे एग्जाम देता वो तो कन्नड़ मीडियम तो अगर बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री कंटिन्यू होंगे कि बदलेंगे नहीं नहीं अभी तो चुनाव चल रहे मुख्यमंत्री है ही हमारे हाँ। बात स्पष्ट कर दो कि हमने मुख्यमंत्री के नेतृत्व में यही मुख्यमंत्री हमारा चुनाव को लीड कर रहे हैं अब चुनाव के बाद जो सरकमटेंसेस होंगे हमारी सरकमिटी होगी उस वक्त पार्टी विचार करेगी सर्वेस तो बहुत करवाते हैं आप कितने नंबर का उम्मीद है देखिए मैं सर्वे में हमेशा कार्यकर्ताओं का पर ज्यादा भरोसा करता हूँ ज्यादातर चैनलों का सर्वे भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐसा होता है चुनाव होता है तब हमें पीछे दिखाते हैं चुनाव बीच में आता है तो थोड़ा और इम्प्रूव हो गया चुनाव <laughs> के दिन हमें बरोबर बरोबर करते हैं एग्जिट पोल में जीत जाएंगे शायद ऐसा बताते और अंत में हम जीत जाते आप सारे सर्वे का स्टडी करो मैं तो राजनीति का विद्यार्थी हूं मैं करता हूं कितने सीटों का उम्मीद है सर मैं मानता हूं हाफवे मार्क पर प्लस पंद्रह से कम नहीं रहेंगे मैं मिनिमम बता रहा हूं अच्छा अगर मेजोरिटी नहीं होगी तो कोई सवाल ही नहीं होने का मैं तो घूमता हूं भैया नीचे जनता को मिलता हूं देखता हूं इसका रिस्पांस देखता हूँ हंड्रेड परसेंट मेजोरिटी भारतीय जनता पार्टी की होने जा रही है दो में मैंने ही इंटरव्यू किया था अमित शाह जी आपने यही यही वाक्य बोला था नहीं ठीक है हम कितना आए, 106 आए. एक सौ छे हाँ। सबसे बड़े हम थे यूर सिंगल लार्जेस्ट नहीं एक थे हमारे ही दो प्रत्याशी निर्दल थे कुल मिलाकर एक आए हम छह सीट दूर रहे थे कोई ऐसा इतना बड़ा अंतर नहीं आया था तो फिलहाल जेडीएस से कुछ सवाल फिलहाल नहीं कभी नहीं मैं तो कर्नाटक की जनता को विनंती करना चाहता हूं कि जेडीएस को वोट मतलब कांग्रेस को वोट आप आपका वोट तय करिए एक डबल इंजन सरकार की के प्लान लेके जा रहे हो आप क्या होगा अगर सेंट्रल में कुछ और पार्टी की सरकार है राज्य में कुछ और पार्टी मैं, मैं, बता, मैं बताता हूँ क्या मैं क्या हो सकता है मैं बताता हूँ एक ही योजना किसान समृद्धि योजना हमने सिद्धरा मैया जी से लिस्ट मांगा ये अपने क्या नाम जेडीएस के कुमारा कुमार स्वामी जी से लिस्ट मांगा था पहले सिद्धरा मैया जी किसान सम्मान का किसान सम्मान नीति का सत्रह लाख लोगों का लिस्ट भेजा था आज वो चौपन लाख उनको भय था कि मोदी जी का चेक अगर डायरेक्ट किसान के अकाउंट में जाएगा तो हमारी पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी समझ में आता है ना डबल इंजन सरकार का फायदा क्या है इसी तरह से घर का लिस्ट भी बढ़ जाता है इसी तरह से आयुष्मान भारत का लिस्ट भी बढ़ जाता है बेनिफिशियरी का लिस्ट बढ़ता है एक बट नेचुरल है मानो केजरीवाल जी अभी आयुष्मान भारत योजना चालू नहीं करें क्योंकि डबल इंजिन सरकार नहीं है ममता बनर्जी चालू नहीं करे क्योंकि डबल इंजिन सरकार ने उनको भय है कि पांच लाख का स्वास्थ्य का बीमा मिल जाएगा तो थोड़ी तकलीफ होगी अगर भाजपा सरकार होती तो भेज देती कर्नाटक बीजेपी में आप गुजरात मॉडल लाना चाहते हैं क्या गुजरात में जिस तरह की टिकट बांट होती है गुजरात में जिस तरह टिकट डिनाई होता है यू यू वॉन्ट तो एक्सपेरिमेंट द सेम थिंग इन कर्नाटका बीजेपी ऐसा है भारतीय जनता पार्टी हमेशा टिकट में बदलाव करती है हमारा 20 परसेंट टिकट बदलने का रिश्वत पहले से है ये गुजरात का एक्सपर... ये चर्चा चली यहाँ पे गुजरात मॉडल का चर्चा जो चली मैं आपको वास्तविकता बताता हूँ आप कोई भी टिकट का लिस्ट उठा कर लो ट्वेंटी परसेंट चेंज हम करते ही करते हैं इस एक्सपेरिमेंट का उत... कुछ उत... अच्छा रिजल्ट हिमाचल में नहीं आया आपको नहीं वो ठीक है चुनाव हारते जीतते हैं मगर हमारी पार्टी तो पार्टी के संगठनात्मक रिक्वायरमेंट के आधार पर चलेगी एंटी इनकम्बेंसी हमेशा कर्नाटक में काम किया है हर चुनाव में एंटी इनकम्बेंसी काम करती है यहाँ पे इस बार आपको दे, देखते हैं आप काउंटिंग तक रही एक मुद्दा नेशनल लेवल पे चर्चा में आती है और कर्नाटक में भी बार बार होते हैं सर सी बी आई ई डी आई टी का दुरुपयोग कर रही है केंद्र सरकार करके मैं किसी से बात कर रहा था कांग्रेस वालों के बोला कि अभी मोदी आना बाकी है और अमित शाह योगी आएंगे तो रुख बदल सकता है ऐसा बोला तो कांग्रेस वाले बोल रहे थे हाँ मोदी आएंगे अमित शाह आएंगे योगी आएंगे ई डी आएगी आई टी आएगी सी बी आई आएगी वो सब चुनाव लड़ेंगे बीजेपी के तरफ से ऐसा कुछ देखिए क्यों है इस सालों से हो रहा है मैं इसको जस्टिफाई करना नहीं चाहता अगर ये गलत है तो अदालत में जाना चाहिए गए थे गए तो अदालत जो करेगी वो होगा वो ईडी अदालत के परव्यू के बाहर नहीं है ना सी आई है उनके समय में भी ढेर सारे लोगों पर केस किए थे सारे लोग अदालत में गए थे कोई काले कपड़े पहनकर नहीं निकला था चुनाव के नजदीक आते ही डी के शिव कुमार का कुछ केस की डेवलपमेंट हो जाती है उनके पर तीन साल पहले केस हुआ था भाई डी के शिव कुमार कहाँ चुनाव के नजदीक बात करते हो कितने साल हो गए तीन चार साल पहले हुआ था केस तब से तो दाढ़ी बढ़ाई है दाढ़ी बढ़ाई है लगता है उनका कुछ प्रक्रिया है मालूम नहीं क्या है क्योंकि तो।, <laughs> तो बहुत साल हो गए चुनाव के नजदीक नहीं हुआ है 2024 लोकसभा चुनाव से पहले तीन और प्रमुख राज्यों के चुनाव होने वाला है हम हमारे मजबूत राज्य हैं हम अच्छा परफॉर्म करेंगे अभी तो चुनाव की देर है वहाँ पर नजदीक आएंगे तब बात करेंगे परंतु 24 के चुनाव का मैं देश भर में दौरा करता हूँ मैं नैरेटिव देख रहा हूँ जनता का रिस्पॉन्स भी देख रहा हूँ चौबीस के चुनाव में हम फिर से एक बार 300 से ज्यादा सीटों के साथ मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे सुनिश्चित है मैं देश भर में घूमता हूं और लोकसभा के चुनाव के लिए ही घूमना मैंने शुरू किया है अभी तो तो अच्छा इसलिए मुझे पल्स मालूम है तो है आपको यकीन कि मे थर्टींथ को बीजेपी के लिए एक आशादायक दिन होगा अच्छा दिन होगा हाँ हाँ अच्छा हम निश्चित रूप से पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे बहुत अच्छा दिन होगा हमारे लिए धन्यवाद अमित शाह जी इतने नमस्कार नमस्कार ಇದಾಗಿತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಿ ನೇರ ದಿಟ್ಟ ನಿರಂತರ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್